दोस्तों जी हाँ, मैं उजनता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी, और मैं जैसे कि आपको पता है सच्ची क्राइम की कहानियां लेके आते रहता हूँ। आज की कहानी कुछ ऐसी है रायगढ़ जिला की। जी हाँ, NRI पुलिस स्टेशन में उल्वे और उसके आसपास के परिसर में, विमानतल के परिसर में होने वाली डेब्रिस खाली करने की जो शिकायत थी, वो शिकायत पर पुलिस ने कामगिरी की। सिटकों को साथ में लेकर, जी हाँ, सिटकों को साथ में लिया और 10 ऐसे वाहनों को और डंपर्स को जहाँ पे अवैध रूप से डेब्रिस, जी हाँ, डाली जाती है, उस उन टैंपो और टैंक डंपर्स को पकड़ा गया है। ये आप देख रहे हैं, जी हाँ, डंपर्स। और आप सुनेंगे DCP विवेक पंसारे जी को। तो NRI पुलिस स्टेशन का उल्वे नोड जो एरिया है और नया विमानतल जो बन रहा है उसके आजू बाजू में, बाहर से मुंबई या और कई परिसर से कुछ लोग डेब्रिस लाके डालते थे, ऐसी कंप्लेंट्स कुछ दिन से आती थी। फिर कल हम लोगों ने 2-3 दिन से ट्रैप लगाया था, उसमें सिडकों के अधिकारियों को भी साथ में लिया था। तो उसमें हम लोगों ने कल 10 डंपर्स इनको ताबे में लिया है, इसके साथ 10 ड्राइवर्स जो है वो, और इसके पीछे जो जिनके आर्थिक हित संबंध है और जिन्होंने ये काम इससे ड्राइवर लोगों से करवाया है, ऐसे मुबारक, शकील, माउली, अमित खारकर, विकी दापोलकर, ये लोगों के नाम भी इसके सामने आए हैं। और ये सब लोगों के खिलाफ हम लोगों ने IPC 269-34 के तहत गुना दाखिल किया है और आगे का तपास हम लोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई, उल्वे न्यूज़।